नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त जो भी जनमंच से लाइव जुड़ रहे हैं, थोड़ा इस बार संभल कर कमेंट कीजिएगा। सारा कमेंट का जवाब आज देंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील डॉक्टर एपी सिंह जी। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आज जो मैं चर्चा करूंगा आरती छोटू की प्रेम कहानी को लेकर, इसमें बात होगी आरती को क्यों फंसाया जा रहा है, आरती क्यों जाएगी जेल, जेल जाने का सवाल क्यों उठ रहा है आरती पर, आरती ने आखिर क्या गलती की। कुछ लोग कहते हैं कि आरती ही ने साजिश रचा है छोटू को मारने के पीछे, लेकिन यह सच नहीं है। सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जनमन से जुड़ चुके हैं। सर अभी जनता आपको लाइव देख रही है हमारे माध्यम से, और यह जानना चाहता हूं आरती वाकई में जेल जाएगी? नहीं, वाकई नहीं, किसी तरह से जेल जाने के लिए आरती का कोई मतलब नहीं है। आरती ने प्यार किया है और प्यार करने वालों के लिए समाज कुछ ऐसा ऐसा सोचता रहता है, लेकिन वो प्यार के पग पर अपने आगे बढ़ जाती हैं। पका हुआ प्यार है, पक्का प्यार है, सच्चा प्यार है, बिना दबाव का प्यार है, बिना किसी फोर्स किया हुआ प्यार है। इसलिए उसका जेल जाने के नहीं मतलब, लेकिन वो अपनी बात पर अडिग रहेगी। उसने सच्चा प्यार किया था छोटू यादव से, और उसके परिवार वालों ने हत्या की उसके प्रेमी की, जो कि मानवाधिकारों का भी हनन है। और आज जबकि इतने मानवाधिकार संगठन काम कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा आज हमारे बीच जनता ह्यूमन राइट्स फोरम के भी आए हैं, जिनका उड़ीसा और उधर के क्षेत्रों में बहुत कार्य करते हैं, हमने उनसे भी कहा है कि वो जाके जनता ह्यूमन राइट्स फोरम के अपने पदाधिकारी बिहार के जाके मिलें, आरती यादव को सहयोग करें, सुरक्षा दें, उसके लिए भी संघर्ष करें। मानव अधिकारों से बड़ा कोई अधिकार नहीं है। ह्यूमन राइट्स, आरती यादव के ह्यूमन राइट्स को कुचला जा रहा है। पहला, जब हमारा भारत का संविधान कहता लिंग भेद जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, प्यार करने का अधिकार है। हमारा भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी पिछले हफ्ते एक आदेश किया कि विदाउट वेडेड, मतलब बिना गैर शादी शुदा लड़की भी एवॉर्शन करा सकती है, मतलब प्रेग्नेंट हुई है गैर शादीशुदा लड़की, पहले प्रेग्नेंट हुई तभी तो ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जब गैर शादीशुदा लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है, इसका मतलब प्यार किया जी, प्रेमी था, बिना मेल के तो प्रेग्नेंट नहीं हो गई हवा में जी। तो जब ऐसा हो सकता है तो उसके बाद भी उसको अवार्ड, अगर वो चाहती एवॉर्शन चाहती है तो उसको एवॉर्शन कराने का अधिकार है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पिछले दिनों आदेश किया है बिना शादी किए हुए लड़कियां गर्भपात करवा सकती है। तो फिर आरती गलत कैसे हुई? लोग कहते हैं कि आरती और छोटू के बीच प्रेम नहीं हवस था। रात को 2 बजे छोटू हवस मिटाने के लिए गया था। क्या प्रेम करने वाले हवस मिटाने वाले होते हैं? जितने भी लोग प्रेम करते हैं क्या वो हवस मिटाते हैं? इस तरह के ओछी मानसिकता वाले लोग जिस तरह से छोटू और आरती के प्रेम कहानी का अफवाह बना रहे हैं, और तरह तरह के यातनाएं दी जा रही है आरती को, घर पहुंचकर उसे फोन किया जा रहा है। आरती, मैं आपको बता दूं, इस समय सबसे बड़ी अपडेट, आरती बीमार है और मीडिया वालों से बात नहीं करना चाह रही है। वो कौन मीडिया वाले हैं? ये है यूट्यूबर पत्रकार, जो व्यूज के खातिर में यूट्यूबर वाले आरती को बदनाम कर रहे हैं, कहते हैं कि आरती जाएंगे जेल। किस आधार पर जाएंगे जेल? क्या आरती ने हत्या किया है? आरती के परिवार वालों ने हत्या किया? आरती विधवा बनकर रह रही है। सर लोग कहते हैं कि शादी हुई नहीं, तो आरती विधवा कैसे हुई? शादी दो दिलों का संबंध है। शादी हिंदू मैरिज एक्ट हमें कहती है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट है। हमारा संबंध दो दिलों का कॉन्ट्रैक्ट है। दो दिलों का आरती और छोटू के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो शादी है, क्यों नहीं शादी है? आप अग्नि के फेरे, परंपराएं हैं, ये रीत रिवाज हैं हमारे, उन्होंने दिलों से माना। आपको पता है उन्होंने अग्नि के फेरे ले रखे हों? आपको पता है जंगल में शिवलिंग की मूर्ति के पास जा बैठ के और एक दीपक जलाकर उन्होंने अगर सप्तपदी मानकर उसको 7 फेरे लिए हैं और शिव मूर्ति के सामने एक पति के रूप में अंगीकार किया है आरती
ने छोटू को और छोटी ने अंगू का अंगीकार किया है आरती को पत्नी के रूप में, फिर क्या दिलों का है संबंध? अगर पत्नी है, ही रांझा क्या था? ही रांझा क्यों दुनिया याद करती आज? लैला मजनू को क्यों दुनिया याद करती है? लैला मजनू, ही रांझा, सीरी फरियाद, ये उस समय के थे। आज की कहानी छोटू यादव और आरती यादव के रूप में इतिहास में प्यार के लिए, प्रेम के लिए, अमर प्रेम कहानी के रूप में जानी जाएगी। और प्रेम अगर त्याग नहीं कर सकता, तपस्या नहीं कर सकता, बलिदान नहीं दे सकता, तो उस प्रेम का कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर ये प्यार, तपस्या, बलिदान आरती यादव ना दिखाती, आरती यादव अपने परिवार वालों के द्वारा छोटू यादव को मार देने के बाद, जैसा अन्य बहुत सी लड़कियां करती हैं, अपने परिवार को बचाने के लिए होस्टाइल हो जाती हैं, बयान बदल देती हैं, सच्चाई को ढांक देती हैं, तो वो प्यार त्याग नहीं रह जाता, वो यादगार नहीं रह जाता, इतिहास नहीं रह जाता, वो अमर नहीं होता। सर, यह बात जानना आपसे है कि कुछ तथाकथित यूट्यूबर पत्रकार वकील के पास जाते हैं, पटना हाईकोर्ट वकील के पास, सीनियर वकील के पास, और उनसे स्टेटमेंट लेते हैं और वो कहते हैं कि आरती छोटू के केस में जेल जाएगी। तो सर, क्या वाकई में केस हो सकता है? जनता जानना चाहती है, मतलब कि इस प्रेम कहानी में आरती किस तरह से जेल जा सकती है, उसे कैसे सजा हो सकती है? देखिए, एडवोकेट का कोई केस व्यक्तिगत मामला नहीं होता है। वकील के पास जो जिस पक्ष से राय लेने जाता है, क्योंकि हमारे देश का संविधान लचीला है, जो जिस पक्ष से राय लेने जाता है एडवोकेट, उसको उसी पक्ष की फीस लेता है, उसी पक्ष से राय दे देता है, देता है सर। लेकिन आरती के परिवार वालों की तरफ जो वकील हैं, उनका कहना है कि इस केस में आरती ही दोषी है, बाकी सभी आरोपी नहीं है, सभी अपराधी नहीं है। वो क्या वो कहेंगे कि उनके परिवार ने, उनके आरती के माता पिता भाई ने हत्या की है, वो मानेंगे? उनके वकील हैं, वो क्यों मानेंगे? वो नहीं मानेंगे, वो अंतिम जीवन के आखिरी क्षण तक नहीं मानेंगे। उनका वकालत का पेशा है, वो अपने कर रहे। लेकिन सच्चाई ये है, छोटू यादव को आरती के घर बुलाया गया, धोखे से बुलाया गया, छल किया गया उसके साथ, रात का टाइम खोज के बुलाया गया और उसकी वहां दुर्दांत हत्या की गई, ब्रूटल हत्या की गई, मतलब ब्रूटलिटी की सीमाएं पार हो गई। उसके नाखून नोचे गए, नाखून और दांत दो शरीर के ऐसे अंग हैं जो डीएनए की पहचान करते हैं, जो जलते नहीं है आग में। नाखून और दांत ही, जो अस्थियां इकट्ठी होती हैं ना, इतने सी, उनमें दांत और नाखून ही होते हैं जो जलते नहीं हैं। पानी नहीं जला सकता इनको, कोई केमिकल नहीं जला पाता आग, आग से बड़ी क्या है, आग नहीं जला पाती है। सोचिए आप, तो वो कैसे खींच खींच के इसमें से निकालेंगे नाखून, कैसे कैसे प्लास, कैसे कैसे उपकरण यूज किए होंगे कि इंसान के साथ, एक मानव के साथ, एक बच्चे के साथ। क्या छोटू यादव हैबिचुअल ऑफेंडर था, प्रोफेशनल क्रिमिनल था? क्या जेल जाने का आदी था? क्या अपराध करने का आदी था? कि इससे पहले भी उसने ऐसा लड़कियों के साथ किया? उसने एक इकलौता प्यार किया, पहला और आखिरी जीवन का प्यार किया, सच्चा प्यार किया। उस सच्चे प्यार के बदले उसे क्या मिला? इस दुनिया ने क्या दिया? ये मौत उसको इस दुनिया ने दी है, इस ऐसी मानसिकता वाले लोगों ने दिया जो अपनी बेटी के लिए ऑनर किलिंग लड़के की करते हैं। लड़का सबसे सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है, अपनी बेटी प्यारी है, दूसरे का बेटा प्यारा नहीं है। उसको भी 9 महीने लगे हैं पैदा होने में, उसके भी माँ बाप सोचते थे कि मेरा छोटू यादव भी बिहार का एक अच्छा युवक बनेगा, जैसे दुनिया में IAS IPS ऑफिसर बनते हैं, पूरे देश में बिहार के लोग जैसा नाम करते हैं, जैसा बिहार के लोग अपनी बौद्धिकता के आधार पर पूरे विश्व के सभी देशों में पहुंचे हुए हैं बिहार के लोग। उस बिहार का युवक वो बनना चाहता था, उसके अंदर दर्द था, मैंने प्यार किया है, मैं निभाऊंगा। अगर वो वहां नहीं जाता तो आरती क्या सोचती? लेकिन उसके माँ बाप ने परीक्षा ली उसकी, लेकिन परीक्षा उसी तरह से ली जैसे कि अंगूठा मांग लिया गया था। वो कौन था जिसका अंगूठा काट लिया गया था? परीक्षा में ही काटवा लिया गया था अंगूठा, एकलव्य का अंगूठा मांग लिया गया। ऐसे हमारे देश में अभी भी हैं लोग, जैसे एकलव्य का उस समय अंगूठा मांग लिया गया था और उसने दे दिया, ऐसे ही छोटू यादव ने भी अपना शरीर दे दिया, मर गया, मार डाला गया, लेकिन
अपनी आरती, वो कहते रहे होंगे, जरूर उन्होंने मारते मारते कहा होगा कि बोल तू आरती यादव से दूर हटेगा, प्यार करना छोड़ेगा। लेकिन वो कैसे कह सकता था कि छोड़ेगा जब लैला मजनू ने नहीं कहा, दीवारों में चुन दी गई लैला, चिल्ला रही थी मजनू, मर रहा था सीरी फरियाद। ये सब हमारे देश की कहानियां हैं, इनको आप इतिहास से हटाने की हिम्मत कर सकते हैं? क्या भारत सरकार इनको हटा सकती है? नहीं हटा सकती। सर आप कई केस लड़े होंगे और ये केस अपने आप में काफी रोचक है। रोचक इसलिए है कि आरती जो है अपने परिवार वालों के खिलाफ है। अगर आरती मुकर जाती और परिवार वालों के खिलाफ नहीं जाती तो कुछ लोग हैं कहने वाले कि आरती जैसे हर घर में बेटी हो, मतलब इनका ये नेगेटिव कमेंट है। ये आरती जैसे क्यों हो? आरती क्या गलत कर रही है? क्या पिता के खिलाफ जाना गलत है सर? नहीं, सच्चाई का साथ दे रही है। क्या एक हत्या का झूठा गवाह बनना ठीक है? हत्या की भाई ने, पिता ने, परिवार वालों ने, जीजा ने हत्या की और वो झूठी गवाही दे दे नहीं की हत्या, क्या दिखाएंगे? छोटू यादव आया या छोटू यादव ने अपने आप नाखून खींचे? छोटू यादव ने प्लास लिया और अपने आप नाखून खींचने लगा? छोटू यादव ने प्लास लिया, अपनी खाल खींचने लगा? छोटू यादव ने अपने को मार लिया आके? ये दिखाएंगे? ये बोलेगी? ये गवाही चल जाएगी? ये बयान उसके चल जाएंगे? बिहार पुलिस बहुत तेज पुलिस है, अलर्ट पुलिस है, विजिलेंट पुलिस है, हमें उस पर पूरा भरोसा है, गर्व है, सम्मान करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में मैंने लड़ा है केस फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने फिल्मों पे बैन लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाला था। उसमें हमने दिल्ली पुलिस की और उसमें बिहार पुलिस की एक्टिविटी देखी केस, क्योंकि पहले वहीं हुआ था, उसके बाद उसको देखा समझा। बिहार पुलिस बहुत विजिलेंट काम करती है, अलर्टनेस के साथ काम करती है। दूध का दूध पानी का पानी क्या करेगी? और हत्या करना अपराध सरकार के प्रति अपराध है। छोटू यादव तो मारा गया, किसी माँ का बेटा, किसी भाई बहन का भाई, किसी का भतीजा, किसी का नाती, किसी का पोता, बहुत रिश्ते होते हैं। ये किसी एक जानवर की, कीड़े मकोड़े की नहीं मौत है, एक मौत, हत्या रिश्तों की मौत होती है, रिश्तों की, अनमोल रिश्ते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं। आरती गलत नहीं है, आरती आज भी लड़ाई लड़ रही है अपने परिवार वालों के खिलाफ। जो कहते हैं कि 6 मंथ के बाद आरती मुकर जाएगी, उसे नया बॉयफ्रेंड मिल जाएगा और छोटू को भुला देगी। इतना मजनू को मिल गया? लैला का बॉयफ्रेंड बताओ ना मुझे, लैला का बॉयफ्रेंड मजनू के बाद बताइए मुझे कि मिल गया हो। चीरी फरियाद का बॉयफ्रेंड मुझे बताओ मिल गया हो। सोनिया गांधी, राजीव गांधी की मौत के बाद आज भी सिर पर पल्लू रखकर ईडी का सामना करने के लिए जाती है। लमेरिस थी ना, पहले का जीवन म्यानो नाम इटली सोनिया जी का, लेकिन जब वो भारत में आई, जब उन्होंने राजीव जी को अपनाया और राजीव जी ने उन्हें अपनाया, बाधाएं आई। मेनका गांधी और संजय गांधी ने प्यार किया, लव मैरिज की। मेनका गांधी का सामान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बाहर कर दिया, लेकिन मेनका गांधी ने अगर संजय गांधी को अपनाया, अगर संजय गांधी ने मेनका गांधी को अपनाया तो पूरा जीवन दे दिया संजय गांधी के लिए, राष्ट्रीय विचार मंच, संजय गांधी राष्ट्रीय विचार मंच, और पूरा जीवन आज भी मेनका जी के नाम के आगे मेनका संजय गांधी लिखा जाता है। सोचिए, ये प्यार है, ये परंपरा है। संजय गांधी की जहाज में मौत हो गई, प्लेन में मौत हो गई, उसके हेलीकॉप्टर में दुर्घटना हो गई, क्या करें, बस छोड़ दें, हो गया उतना? नहीं, जिसके साथ जीवन की कसम खा ली, जिसके साथ जीने मरने की कसम खा ली, वो पूरा निभाएगी। और आरती यादव, छोटू यादव की कहानी इस देश में अमर कहानी के रूप में लिखी जाएगी। सर, जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं, जो प्रेम कहानी को दूषित प्रेम कहानी बता रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मानसिकता, यहाँ तरह तरह के लोग, बीमार मानसिकता के लोग भी हैं। लोगों की मानसिकता दो तरह से चलती। मैंने ऐसे कई बड़े केस लड़े। किसान आंदोलन मैंने केस लड़ा। किसान आंदोलन में पता क्या था, एक तरफ किसान खड़े थे दिल्ली में बॉर्डर पर, और उनको सीना ताने इधर कौन खड़ा था, किसान का बेटा जो दिल्ली पुलिस का अधिकारी था, ठंड में 30 कारवाई लिए जैकेट पहने हुए खड़ा था, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो जैकेट देती है, लेकिन उसी का बाप
उसी का ताऊ चाचा बॉर्डर पर किसान बन के खड़ा था। सोचिए आप, ऐसी ऐसी स्थिति के केस थे। सोचिए, परीक्षा थी, क्या वो उन पे गोली चलाए? सरकार ने कहा नहीं, फैसला होगा। किसान आंदोलन चला, मैंने किसानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन किसान बिल को रोकने के लिए स्टे दिया, वहां रोक लगाई, और रोक लगाने के बाद माननीय मोदी जी दरिया दिल थे, उन्होंने फिर किसान बिल वापस लिए। लेकिन आमने सामने की स्थिति ऐसे ही, छोटू यादव का उसका प्यार है और आरती यादव के परिवार की स्थिति है। ऐसा नहीं है, विरोध नहीं होता है, विरोध होता है हमारे देश में। लव मैरिज के लिए हमें लोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन लव मैरिज होती है। आपकी मैंने मिसाल मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में लोग हीरो हीरोइन चादर के साथ बदल देते होंगे रिश्तों को, लेकिन छोटू यादव तो ऐसा नहीं था उन हीरो हीरोइन की तरह कि एक बदली, दो बदली, तीन बदली, चार बदली, पांच बदली, लिस्ट नहीं बनाने वाला। वो तो इस प्यार में पगा हुआ बच्चा था, लड़का था, युवा था। अभी क्या था उसका जीवन, क्या था अभी होनहार, अभी तो शुरुआत थी उसके साथ जीवन में। सबको आरती यादव का सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए, मोरल सपोर्ट करना चाहिए, कानून विदों को भी हेल्प करना चाहिए। यह अच्छी बात नहीं है कि हत्या के मुलजिम बच जाएं और लड़की उनको, क्योंकि वो उनकी बेटी है, गवाह है, वहां देखने वाली है, वो होस्टाइल हो जाए और वो बरी हो जाएं। यह भी गलत तरफ इशारा जाएगा, यह भी दूसरी तरफ इशारा जाता है, यह भी न्याय नहीं है। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, होते हुए दिखना चाहिए। और जब कोई मौत होती है, हत्या होती है, मारा जाता है कोई, तो वो हत्या सरकार के लिए होती है, स्टेट वर्सेस केस लड़ता है। जो मृतक होता है उसकी तरफ से राज्य सरकार की तरफ से बात आती है और राज्य सरकार की बात को ही माननीय अदालतें देखती हैं। कई बार आपने देखा पत्नी होस्टाइल हो गई, भाई होस्टाइल हो गया भाई की मौत, बाप होस्टाइल हो गया बेटे की मौत पे, लेकिन राज्य एडवोकेट जो ऑनरेबल कोर्ट कहती है, वो कहती है आप बिक सकते हैं, आप बयान बदल सकते हैं, आप होस्टाइल हो सकते हैं। कोर्ट आंखों पे पट्टी जरूर बांधे है साहब, कानून की देवी आंखों पे पट्टी जरूर बांधे है, लेकिन कान उसके खुले हैं, वो सुनती भी है और मामले को समझती भी है और उसी आधार पर सजाएं होती है। कई मेरे पास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए केस आते हैं, विभिन्न राज्यों हाई कोर्ट से आते हैं केस हमारे पास यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए। उसमें कहते हैं साहब सब तो होस्टाइल है, हमने सबको सेटिंग कर ली थी, मरने वाले के भाई को पैसे दे दिए, बाप को पैसे दे दिए, बीवी को पैसे दे दिए, साहब फिर भी क्यों सजा हो गई? तो हम भी सोचते हैं कि सजा तो ठीक ही हुई है ना वहां, क्योंकि वो तुम आप सबको खरीद सकते हो, कोर्ट को तो नहीं खरीद सकते, अदालत को तो नहीं खरीद सकते। अदालत तो न्याय की देवी है, सभी लोग कानून में तो विश्वास रखते हैं और ये विश्वास गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों में फैला है। जब भी किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है, आपस में लड़ाई होती, झगड़ा होता है, कोई बात होती, वो क्या कहता है, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। एक हर व्यक्ति का भरोसा है कोर्ट के प्रति। तो जो भी है, दूध का दूध पानी का पानी होगा और सामने होगा। और जो भी अफवाह उड़ा रहे हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत ही देखना जरूरी है। मेरी संवेदनाएं आरती के साथ है और छोटू के परिवार वालों के साथ है। छोटू को न्याय मिलना चाहिए और जनमंच न्यूज की मुहिम भी है छोटू को न्याय। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।